हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल प्ले विथ स्टॉक मार्केट। आज की इस वीडियो में हम फिर से बात करने वाले हैं येस बैंक के बारे में। आज है 24 सितंबर और आज येस बैंक में जो हमें क्लोजिंग देखने को मिली वो तकरीबन 1% से भी ज़्यादा की गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली है। और दोस्तों, आज एक्सपायरी का दिन था, आज मंथली एक्सपायरी थी और आज काफ़ी वॉलेटाइल रहा था मार्केट। अच्छी खासी आज मार्केट में हमें गिरावट देखने को मिली और येस बैंक अपने आप में काफ़ी सस्टेन होता हुआ हमें आज नज़र आया है। 13 रुपये का जो सपोर्ट है वो अपने आप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट लेता हुआ हमें येस बैंक देखने को मिला था। हालांकि हमें लो तकरीबन 12.75 रुपये तक का देखने को मिला था येस बैंक में, लेकिन फाइनली जो क्लोजिंग देखने को मिली वो तकरीबन 13 रुपये पर हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। तो 13 रुपये का जो लेवल है वो येस बैंक के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण लेवल निकल के आ रहा है दोस्तों। और दोस्तों, येस बैंक के ऊपर दो बड़ी खबरें निकल के आई है, उसके ऊपर मैं आपको डिस्कशन करना चाहूँगा और कल के लिए क्या लेवल और टारगेट आ सकते हैं उसके बारे में हम जानेंगे। उससे पहले दोस्तों, आज जो मार्केट में गिरावट आई है उसकी बात करें तो निफ्टी में तकरीबन 300 पॉइंट के आसपास की गिरावट देखने को मिली थी और बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में भी तकरीबन 700 पॉइंट से भी ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली थी और सेंसेक्स की बात करें तो 1100 पॉइंट से भी ज़्यादा की गिरावट देखने को मिली है। तो दोस्तों, अब अगर यहाँ पर देखा जाए तो निफ्टी में अभी जो हमें सपोर्ट देखने को मिल रहा है वो 10,800 का काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है दोस्तों। देखा जाए तो क्लोजिंग में 10,800 के ऊपर ही आज देखने को मिली है। और दोस्तों, अगर निफ्टी 50 10,800 का लेवल को अगर सब्सटेन करता है तो फिर यहाँ से हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है और यहाँ से मार्केट हमें पॉजिटिव मोमेंटम दिखा सकते हैं। लेकिन अगर यहाँ से सपोर्ट ब्रेक करता है दोस्तों, जिस तरह से गिरावट आज हमें देखने को मिली, अगर एक गिरावट कंटिन्यूसली रहेगी दोस्तों और 10,800 का ये जो सपोर्ट है उसको ब्रेक करेगा निफ्टी 50, तो फिर जो नेक्स्ट सपोर्ट हमें देखने को मिलेगा वो 10,600 का सपोर्ट देखने को मिलेगा दोस्तों। और अगर निफ्टी अगर 10,600 तक लुढ़कता है दोस्तों, तो बैंक निफ्टी और सेंसेक्स में हमें काफ़ी गिरावट देखने को मिलेगी और उसके चलते हमें येस बैंक में भी तकरीबन 12.5 के लेवल या तो फिर 12 रुपये तक के लेवल्स भी देखने को मिल सकते हैं दोस्तों। इसके ऊपर भी आप अपनी नज़र बनाएं। वहाँ फिलहाल देखा जाए तो 13 रुपये का काफ़ी स्ट्रॉन्ग सपोर्ट हमें देखने को मिल रहा है, लेकिन अगर मार्केट में गिरावट रहती है दोस्तों कंटिन्यूसली, तो फिर हमें येस बैंक में भी गिरावट देखने को मिलेगी। उसके ऊपर भी दोस्तों आप अपनी नज़र बनाए रखें। अब दोस्तों, जो खबरें निकल के आई है उसके ऊपर मैं लेके जाता हूँ, तो दोस्तों वीडियो में बने रहे। तो जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं, हम जी बिज़नेस की वेबसाइट के ऊपर आए हैं और यहाँ पे जो खबर निकल के आई है येस बैंक के रिलेटेड वो आप लोगों के सामने है। और यहाँ पे बताया जा रहा है कि येस बैंक के जो CEO है, MD जो प्रशांत कुमार, उसका दोस्तों जी बिज़नेस के साथ बातचीत हुआ था और वहाँ पे जी बिज़नेस की ओर से काफ़ी सारे क्वेश्चंस पूछे गए थे। उसमें से येस बैंक को मर्जर को लेके एक क्वेश्चन पूछा गया था दोस्तों। तो जैसा कि यहाँ पे प्रशांत कुमार की ओर से बताया जा रहा है कि येस बैंक MD एंड CEO प्रशांत कुमार हैज सेड दैट देयर इज़ नो प्लान फॉर SBI येस बैंक मर्जर इन नियर फ्यूचर। तो यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है कि दोस्तों कि नियर फ्यूचर में SBI के साथ किसी भी तरह का कोई प्लान नहीं है मर्जर का। और इसके बारे में ऑलरेडी प्रशांत कुमार ने पहले भी बताया था, जो AGM का मीटिंग था उस टाइम पे उसने बताया था कि SBI के साथ हमारा मर्जर का कोई प्लान नहीं है। लेकिन यहाँ पे सबके सामने क्लियर करते हुए प्रशांत कुमार ने कहा है कि नियर फ्यूचर में हमारा कोई प्लान नहीं है, लेकिन आगे प्लान हो भी सकता है। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ दोस्तों कि आगे प्लान होगा या तो फिर आगे SBI के साथ मर्जर होगा, लेकिन यहाँ पे जो बताया जा रहा है वो यहाँ पे साफ साफ बताया जा रहा है। और भी यहाँ पे जो कुछ बातें बताई गई है और यहाँ पे ऐसा भी बताया जा रहा है प्रशांत कुमार की ओर से, येस बैंक हैज़ बीन एबल टू गेन द कस्टमर कॉन्फिडेंस इन लास्ट 6 मंथ। तो यहाँ पे बताया जा रहा है कि येस बैंक में वो काबिलियत है कस्टमर्स के कॉन्फिडेंस बढ़ाने की, और लास्ट 6 मंथ में देखा जाए तो काफ़ी सारे कॉन्फिडेंस बढ़े हैं कस्टमर्स के। और यहाँ पे ऐसा भी दोस्तों बताया जा रहा है, इट वॉज मेड क्लियर दैट येस बैंक इज सीन एज अ स्ट्रॉन्ग प्राइवेट बैंक एंड इट नीड्स टू बी डेवलप्ड ऑन दैट लाइन। इन लास्ट 6 मंथ येस बैंक हैज़ मैनेज टू गेन द कॉन्फिडेंस ऑफ इट्स कस्टमर्स। आई डोंट थिंक देयर इज़ अ नो नीड फॉर SBI येस बैंक मर्जर नाउ। तो प्रशांत कुमार ने साफ मना किया है कि अभी हमें ऐसी कोई ज़रूरत नहीं है मर्जर करने की, और हो सकता है कि आने वाले दिनों में या तो फिर कुछ टाइम के बाद मर्जर हो भी सकता है। यहाँ पे फिलहाल तो ऐसा बताया जा रहा है कि नियर फ्यूचर में कोई प्लानिंग नहीं है, ठीक है। तो एक इस तरह की खबर निकल के आई है। और जो दूसरी खबर निकल के आई है उसके ऊपर भी हम देख लेते हैं दोस्तों। हम यहाँ बिज़नेस इंसाइडर की वेबसाइट के ऊपर आए हैं और यहाँ पे जो खबर निकल के आई है दोस्तों वो आप लोगों के सामने, और यहाँ पे बताया जा रहा है कि येस बैंक्स वर्कफोर्स फ्रैंकली बाय 1000 एम्प्लॉय सेंस मार्च बट नाउ इट्स हायरिंग अगेन फॉर द नेक्स्ट कमिंग ईयर।
तो दोस्तों तकरीबन 1000 एम्प्लॉयज़ ने मार्च मंथ में येस बैंक को लेफ्ट कर दिया था। और जैसा कि आपको पता ही होगा कि येस बैंक की काफ़ी हालत ख़राब हो गई थी, तो काफ़ी लोगों ने येस बैंक की जॉब छोड़ दी थी। लेकिन अभी यहाँ पे ऐसा बताया जा रहा है कि हम कमिंग ईयर्स में न्यू हायरिंग भी करने वाले हैं, ऐसा येस बैंक की ओर से बताया जा रहा है। और दोस्तों आपको बताया कि जिस तरह से प्रशांत कुमार येस बैंक को हैंडल कर रहे हैं और जो न्यू हायरिंग करने वाले हैं, तो उसमें भी काफ़ी दम रहेगा दोस्तों। काफ़ी टैलेंटेड बंदों को लोगों ही हायरिंग करेंगे, तो ये अपने आप में काफ़ी यहाँ पे कह सकते हैं कि एक अच्छी खबर भी है दोस्तों। तो इस तरह से दो खबरें निकल के आई थी दोस्तों, दोनों खबरें मैंने आपको बता दी। अब दोस्तों हम आज के कारोबार की डिटेल्स देख लेते हैं और कल के लिए क्या लेवल और टारगेट आ सकते हैं उसके ऊपर हम डिस्कशन करते हैं। तो दोस्तों वीडियो में बने रहे, देख सकते हैं हम NSE की वेबसाइट के ऊपर आए हैं और यहाँ पर मैंने येस बैंक को सर्च करके रखा हुआ है। और आज के कारोबार की डिटेल्स की बात करें तो तकरीबन 1% से भी ज़्यादा की गिरावट के साथ क्लोजिंग देखने को मिली आज। प्रीवियस क्लोजिंग की बात करें तो तकरीबन 13.15 रुपये पे प्रीवियस क्लोजिंग हुई थी, और ओपनिंग की बात करें तो 13 रुपये पे ओपनिंग देखने को मिली थी। हाई की बात करें तो 13.05 रुपये का हाई बनाया था, और लो की बात करें तो 12.75 रुपये तक का हमें लो बनता हुआ येस बैंक में देखने को मिला है। और दोस्तों डिलीवरेबल परसेंटेज की बात करें तो यहाँ पे तकरीबन 39% से भी ज़्यादा के डिलीवरेबल परसेंटेज देखने को मिल रहे हैं, तो अपने आप में काफ़ी बढ़िया डिलीवरेबल परसेंटेज भी कह सकते हैं दोस्तों। अब हम चार्ट के ऊपर जाते हैं और देख लेते हैं कि किस तरह के लेवल्स कल के लिए देखने को मिल सकते हैं। देख सकते हैं हम ज़ीरोधा के प्लेटफॉर्म के ऊपर आए हो, और यहाँ पर मैंने येस बैंक का चार्ट ओपन किया हुआ है, और ये चार्ट मैंने यहाँ पर 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर ओपन किया हुआ है। और यहाँ पर मैंने कुछ लाइनें ड्रॉ करके रखी और लेवल्स भी आइडेंटिफाई करके रखे हैं, जिसके माध्यम से हम जानने की कोशिश करते हैं कि कल के लिए क्या लेवल और टारगेट देखने को मिल सकते हैं। और जैसा कि दोस्तों आप देख सकते हैं आज येस बैंक ने जो सपोर्ट लिया था वो तकरीबन 12.80 रुपये पे हमें सपोर्ट लेता हुआ देखने को मिला था, और फाइनली जो क्लोजिंग देखने को मिली वो तकरीबन 12.95 रुपये यानी 13 रुपये के आसपास हमें क्लोजिंग देखने को मिली है। तो 12.80 रुपये से लेकर 13 रुपये के बीच में जो लेवल्स हैं यहाँ पे हमें देखने को मिल रहा है, वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेवल हमें यहाँ पे देखने को मिल रहा है दोस्तों। और कल के दिन की बात करें तो दोस्तों यहाँ पे जो मैंने ट्रेड लाइन ड्रॉ की है दोस्तों, इस ट्रेड लाइन के ऊपर यहाँ से येस बैंक निकलता है, तो हमें यहाँ पे 13.40 रुपये और 13.90 रुपये तक ट्रेड करता हुआ येस बैंक देखने को मिल सकता है। लेकिन उसके लिए दोस्तों मार्केट पॉजिटिव मोमेंटम दिखाना काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा दोस्तों। अगर मार्केट पॉजिटिव मोमेंटम दिखा दे है, कल निफ्टी बैंक निफ्टी में पॉजिटिव मोमेंटम रहता है, तो फिर हमें येस बैंक यहाँ से रिवर्सल लेता हुआ भी देखने को मिल सकता है। अगर कल फिर गिरावट आती है दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी में, तो फिर हमें जो 12.80 रुपये का जो लेवल है दोस्तों, ये भी ब्रेक करता हुआ हमें येस बैंक देखने को मिल सकता है। और अगर कल दोस्तों फिर से 200-300 पॉइंट निफ्टी में गिरावट देखने को मिलती है, तो फिर हमें येस बैंक 12.50 रुपये से 12.40 रुपये के आसपास हमें ट्रेड करता हुआ भी देखने को मिल सकता है। तो इसके ऊपर भी दोस्तों आप अपनी नज़र बनाए रखें। और जैसा मैंने आपको बताया दोस्तों, ये यहाँ पे जो मुझे ट्रेड लाइन देखने को मिल रही है, इस ट्रेड लाइन को ब्रेक करेगा कल येस बैंक दोस्तों, तो यहाँ पे आप पोजीशन बना सकते हैं। लेकिन आपको ये भी देखना है कि निफ्टी और बैंक निफ्टी पॉजिटिव मोमेंटम दिखाते हैं, तभी दोस्तों आपको पोजीशन बनानी है दोस्तों। इंट्राडे के लिए दोस्तों यहाँ पे पोजीशन बना सकते हैं, और आपका जो स्टॉप लॉस रहेगा वो 12.80 रुपये का स्टॉप लॉस लेके दोस्तों यहाँ पे आप पोजीशन बना सकते हैं। पहला टारगेट रहेगा 13.40 रुपये का, और दूसरा टारगेट 13.90 रुपये का। तो इस तरह से यहाँ पे आप टारगेट भी ले सकते हैं दोस्तों। तो इन लेवल्स को वॉच आउट कीजिए और आप अपना भी एनालिसिस कीजिए, उसके बाद ही दोस्तों पोजीशन बनाइए। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कीजिए, और हमारी चैनल पर नए हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। तो इस वीडियो में इतना ही दोस्तों, थैंक यू अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।